नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दौर है, जहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जमकर भाषाई मर्यादा लांघी गई। जी हां, प्रचार के आखिरी दिन पराकाष्ठा के स्तर का सियासी वार पलटवार हुआ, जहां उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को जवाब देते हुए कहा, कटेंगे बटेंगे फटेंगे, जो करना है आप करें, लेकिन मुंबई पर किसी ने नजर डाली तो हम उन्हें काटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पुणे में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर तीखा प्रहार किया। खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहर से करते हुए कहा कि जहरीले सांप को मार देना चाहिए। तो वहीं इन सबसे इतर राज्य में धारावी प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी समूह के धारावी पुनर्विकास परियोजना पर बड़ा बयान दिया। राहुल ने इस प्रोजेक्ट को बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे से जोड़ा और पोस्टर वॉर किया। महाराष्ट्र चुनाव में जुबानी जंग लगातार जारी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला के मुताबिक कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी दोनों चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होगी। इस विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत होगी। नफरत और झूठ की राजनीति करने वाली महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं पर ओछी बयानबाजी की हो। वो पीएम मोदी को अक्सर निशाना बनाते रहते हैं। उनके ऐसे बयान बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच का स्तर आज क्या रह गया है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं ने बीजेपी पर जमकर सियासी प्रहार किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक हैं तो सेफ है का पोस्टर दिखाया। इस दौरान पोस्टर दिखाते हुए कहा कि सवाल यह है कि कौन सेफ है, धारावी का भविष्य सेफ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है। राहुल ने कहा, बीजेपी ध्यान भटकाने में माहिर है, इसलिए जनता को संभल कर वोटिंग करनी चाहिए। इस तरह कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।